हेलो हेलो जी, जी, राम 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 जी, जी, कैसे कैसे हैं हैं आप आप सब? सब आशा आशा करते करते हैं हैं आप आप सब सब भी भी ठीक ठीक होंगे। होंगे। सुबह सुबह के के 7:30 बज चुके हैं, यहाँ पर चिंकी आ गई है अभी उठकर, और ये देखिए ठंड में कैसे कर रही है। चिंकी जककर आ गई है और उसके साथ में उसकी मम्मी और मैं आ गया हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक से। सुबह गया था 6:15 बजे और आज ना हवा ऐसी चल रही थी तीखी, पन्नी सनसना सन साए साए हो रही थी, जब पेड़ों की पत्तियों से आ रही थी देखो ना तो पेड़ों हवा। को। हाँ, और देखो 7:30 बजे मौसम कैसा है, शीत लहर चलनी शुरू हो गई हैं। आज महसूस हुआ कि वो शीत लहर ही थी पक्का। तो अभी ये तैयार होंगे गुड्डू और चिंकी स्कूल के लिए, और हम मिस करते हैं सुबह सुबह आरुषि और नंदिनी को। और चिंकी पापा कह रही जी, है कब आएगी। मैंने सुबह सुबह नंदिनी के दर्शन ले लिए ले लिए फोन करा था क्या? अच्छा, वो जग गई होगी, मुझे पक्का पता है। मैं कर रही थी। हाँ। ऐसे ही करते हैं आप। तो अभी नाश्ता बनाने की तैयारी होगी और मैं अपना पानी गर्म और देखता हूँ हो गया क्या। क्या निकले? भाप निकलती है, भाप। टेम्परेचर अंदर का ज्यादा होता है ना, बाहर का कम, इसलिए भाप निकलती है। रात मेरे दांत जब मैं जो है बाहर निकली तो मेरे दांत। अब ऐसा कर, जल्दी से तैयार हो ले, कपड़े पहनने मजबूत वाले, फिर स्कूल जाना है। चलो ठीक। तो यहाँ पर माँ से हमारी दूध कर रही है, इसे जो है चाय दूध बच्चों को दूध भी चाहिए गर्म, तो इसलिए मतलब जो भी कुछ है जो दूध पिएगा वो दूध पी लेगा। ये आ गया दूध, इसमें वो उसमें दूध ही नहीं पीती, बाकी सब पी ले, चाय पी के जाएगा जबरदस्ती। इसे चाय चाहिए रात रात को, क्या हो रहा सुबह को बच्चों को दूध बेटे, रात को तो पीते ही हो दूध, सुबह भी पीना चाहिए, ठीक है ना? बच्चों को ताकत आती है, सर्दी कम लगेगी, ध्यान रखना। एक दिन मैंने दूध पी लिया, नाक बंद करके दूध, दवाई थी क्या दूध? मैं पहली बार दूध पी लिया था, दस्ती पिलाया। पहली बार जब दूध पिया इसने बता रही है से उल्टी हुई थी। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी रख दिया यहाँ पे ये दूध। दूध जो पिएगा उसके लिए दूध है, नहीं तो चाय पिएगा उसके लिए चाय भी है, ऑप्शन है सबके लिए। और क्या बनेगा इनके लिए नाश्ते में? प्याज और टमाटर और हरी मिर्च काट दो, फटाफट से बनाओ। चलो मैं भी हेल्प करता हूँ कुछ, क्योंकि फटाफट से समय कम रह गया है। 8:15 बजे दोनों की गाड़ी आएंगी, थोड़ा थोड़ा टाइम। हाँ, 8:25 पे आती है। अच्छा, 8:25 पे इसकी आती है और गुड्डू की 8:15 बजे आएगी, तब तक मैं करवा देता हूँ फटाफट से कुछ। ये काट दिया मैंने इसमें प्याज टमाटर और हरी मिर्च थोड़ी सी काटी है, बेसन का घोल, थोड़ा सा पनीर, और ये बन जाएंगे बेसन के चिल्ले पराठे, जो भी है मतलब नाश्ता बन जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि वे दौड़े दौड़े भागे भागे से तैयार हो रहे हैं अभी। थोड़ा सा पनीर कस के इसमें डाला जाएगा, दूध तैयार है रेडी, जल्दी से नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए, क्योंकि सर्दी में सबको ही पता है लेट लतीफ़ी होती ही है। और देखते ही देखते ये देखो दूध निकल गया, मेरा ध्यान था प्याज काटने में और ये दूध जो है अपनी रफ्तार से निकल भी गया। कोई बात नहीं, साफ कर दिए सब माँ के आने से पहले। नहीं हाँ, नहीं ये कह कि कर क्या रहे थे दोनों जने रसोई में था। ये हल्का हल्का सा कस के पनीर और ये हो जाएगा एक अच्छा सा नाश्ता हेल्दी वाला बच्चों के लिए। तैयार हो रहे हैं वे जल्दी, थोड़ी सी फास्ट। ये तो जला दिया गैस, फ्लेम अभी हल्का है और ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा भले ही है लेकिन परफेक्ट सिक के आया एकदम से, ये देखो। ये बन गया पहला चिल्ला बेसन का और ये गुड्डू के लिए है, क्योंकि गुड्डू थोड़ा सा पहले जाएगी 10 मिनट चिंकी से, इसलिए ये दूध हो गया तैयार। ये कर दिया मैंने, इसमें चीनी डाल के ना मीठा कर दिया जब तक मैंने से, और तोड़ दिया दूध को। तोड़ तो दिया, और ये क्या कर दिया किचन में आपने? सब्जी काटने को तो कहा था, फलाने को थोड़ा कहा था। भाई जो हलवाई होते हैं उनका काम ऐसा ही होता है, देखो इतना तो इतना तो फैल लेगा। अब बताओ क्या कर सकते हैं, जल्दी भी तो थी ना, अब तुरंत तुरंत इसे संगवा देते अगर टाइम होता। टाइम है ही नहीं, इसे तो बाद में कर लेंगे, पहले तो ये काम जरूरी है, बच्चे जाएंगे जब।
अभी यहाँ पर दूसरा चिल्ला बनाने की तैयारी, और बेसन के घोल में ही मैंने सारी सब्जियाँ पनीर कस के डाल लिया था। ये वाला चिल्ला भी काफ़ी परफेक्ट बनता है और खाने में भी टेस्टी लगता है, और सबके लिए मैं ये बनाकर तैयार करूँगी। उससे पहले जो है बच्चों को स्कूल भेज दूँ, तो जी देखे कितनी आसानी से ये जो है इसमें से चिपकता बिल्कुल भी नहीं है, और पलट दिया है मैंने और एकदम परफेक्ट चिल्ला बन के आया है। और अभी मैंने इसके चारों तरफ जो है वो घी डाला है, देसी घी में ही मैं इन्हें बनाकर तैयार कर रही हूँ, तो चिल्ला के एकदम तैयार है। और जो है पिताजी का ब्रेकफास्ट देने के लिए आया है, और मैं हो चुकी हूँ तैयार। मम्मी एक रोटी दे देना, जूही आई है इतने दिनों के बाद। मेरी बोतल जो है तैयार हो चुकी है, इसमें जो है मैं गर्म पानी ले जाती हूँ, और मैंने अपने बाल भी हमारे स्कूल में जो है ऐसे में तो टोपा नहीं चलता है। अभी आ गई हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए। तो जी कई दिन से एक सवाल बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जा रहा है कि प्रीति कब आएगी। तो देखिए जी, उसकी बहन की शादी थी और काफ़ी सारे काम होते हैं शादी के बाद में, इसीलिए वो पहले नहीं गई थी, और ये हम लोगों की ही प्लानिंग थी कि वो बाद में रहकर आएगी। उसके मम्मी पापा अकेले हैं, उसका भाई जो है बाहर जॉब करता है, तो वो जल्दी से ही चला गया था, उसे इतने दिन की छुट्टी नहीं मिली थी। तो इसलिए प्रीति भी जल्द ही आने वाली है, एक दो दिन में तो आ जाएगी। जल्द ही आपको मिलवाने वाले हैं प्रीति से, नंदनी से, आरुषि से। वैसे तो उनके व्लॉग में आप मिलते ही अभी रहते जो हैं। है मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं सारे के सारे, आज ज़्यादा नहीं थे, और ज़्यादातर इसमें गर्म कपड़े ही हैं, मेरी स्वेटर वगैरह हैं, जर्सी जो बड़ी बड़ी मैं पहनती हूँ कुर्तियों के ऊपर। और यहाँ पर अभी मैं इन्हें बोल रही हूँ, इनमें थोड़ा सा सूखा आ गया है, सूख गई हैं ये, और इनमें पानी डाल दो, तो यहीं से पानी ले लेंगे इसी टंकी से। इसमें डाल दिया आपने? हाँ। और मैं सोच रही हूँ कि धनिया की जो क्यारी है इसे दोबारा खोद कर जो है इसमें दोबारा से धनिया बोया जाए, वो हो जाएगा अच्छे से। माँ बोल रही है बीज ही खराब था। इनके बीज थोड़ी हवा कर दो। हाँ कर दो, ये हवा करने के चक्कर में पड़ रहा है। गुलेल से भी कोई हवा करता है भाई? हैं? कर रहा। अच्छा, थोड़ा पानी ले लूं। मैं पानी लेके बस 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 बहुत है इतना। इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल लो। देखिए पानी के बिना सूख गया, देखो है ना। चिंकी ने उठा लिया रिमोट और उसकी रिमोट कंट्रोल गाड़ी का। चिंकी ने उठा लिया रिमोट और उसकी गाड़ी का, अब ये से चलाएगी, क्योंकि आरुष अभी ऊपर वाले फ्लोर पे अपनी मम्मी के पास में। चलाने का तो मन इसका भी करता है, और ये भी शौक पूरा कर लेगी चला के अभी उसकी गैरहाजरी में, क्योंकि वो चलाने नहीं देता है ना। तो देखो है, तेरा तो इतना हाथ सेट नहीं हुआ अभी जितना आरुष का हो गया। चला दे तू, चलाइयो, वापस बुलाइयो उसे, वापस बुला यहीं पे। नहीं आई ना? हाँ। बता, चलाने की तो ही रस करे तू चिंकी है, तेरे पे तो आगे और पीछे चलानी आवे बस इसे। बाकी लगा इसके गियर मोड़ने के, पलटने के, नचाने के, ऐसे बस जब सीधी हो तो वापस चलाइयो, बुलाइयो वापस। कौन से बटन से? दोनों क्यों दबा रही है? एक बटन दबा वापस बुलाने का, सीधी कर पहले ऐसे, अब भेज वापस। वो टक्कर मार दी, किस तरह ऑपरेट कर रही। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा भी हाथ सेट हो जाएगा और उसकी गैरहाजरी में। भगाओ 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 भगाओ, फिर बुला वापस बुला, ऐसे ऐसे ऐसे। टेडी हो क्या है? हाँ, ये डांसिंग कार भी है ना, इसलिए टेडी मिड्डी भी है ये। दोनों बटन एक साथ दबा गया है, दोनों लीवर एक साथ घुमाती है, एक एक करके करा कर। बुला वापस बुला, कौन से बटन से? इससे। हाँ बुला,
सिद्धि कर गए, वो तो नाच रहे हैं भाई यार उसको कैसे लगा नहीं, इसके जो लीवर हैं उसका तो पता चल गया। तो देखो पिताजी ने भी चला दिया है, ये पिताजी भी चलाना सीख गए हैं रिमोट की कार, इसके बटन तो पता चली गए। एक दूसरे वाला लीवर जो है उससे लट पलट होगी पिताजी, डांसिंग कार बन जाए उससे। ये ऐसे नाच भी ले, अभी ऊपर बैठा उसे पता नहीं है। हाँ उसे पता नहीं है अभी तेरी कार पेल रहा कोई यहाँ से। मेरा मॉन्स्टर रिमोट कंट्रोल कार अभी पिताजी चला रहे हैं अभी, और उसकी रिमोट कंट्रोल कार। पिताजी देखो अगर आप इसे तो आगे जाओगा, अगर आप इसे मुँह करोगे तो पीछे जाओगा। पिताजी को पता तेरे से पहले चला ले पिताजी ने। शाम का अलाव जल गया चूल्हे के इर्द गिर्द, बैठने का मजा ही कुछ हो रहा है। पूरी आँच मतलब ताप सकते हैं भरपूर रात होने तक, जब तक भी सोएंगे। यहाँ पे अभी पानी गर्म हुआ था थोड़ी देर पहले और अब दूध गर्म होगा, तो ये छोटी मोटी चीजें तो पहले ही हो जाएंगी। छोटी मोटी नहीं बड़ी है, ये भी दूध को छोटी मोटी चीज मत समझना क्योंकि ये बहुत ताकतवर चीज है। और इससे पहले जो पानी है उसे भी हल्के में मत लेना सर्दियों में। देखिए अभी हमने लकड़ी जलाई तो लकड़ी में जो है थोड़ा सा खून निकल गया क्योंकि वो गीली लकड़ी थी। और अभी दूध का जो है हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि तेज आग है, दूध निकल ना जाए। अगर एक पर भी दूध निकल गया तो हमारा 1 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान। मतलब शाम को पीने का जुगाड़ खराब हो जाएगा दूध। लेकिन यहाँ कई निगाहें रहेंगी और जब कई निगाहें रहती हैं किसी चीज पे तो वो बिगड़ती जरूर है ज्यादातर। देखो इसलिए पूरा ध्यान रखना दूध का, ठीक है। माँ ने रख दिया है अभी और उबाल आने तक इसमें एकदम बिल्कुल ध्यान फोकस वहीं पे रखना है क्योंकि दूध जो है सेकंड्स में निकल जाता है, ये तो पता ही है तुम लोगों को। ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है ये चीजें इसलिए, ठीक है। तो एक बार माँ उठ गई और चूल्हे पे से तो एकदम दूध ऊपर आ गया और माँ वन से भागती भागती यहाँ आई। और जब माँ फिर यहाँ पे बैठी तो दूध ऊपर का ऊपर ही है, और फिर माँ उठी है तो फिर ऊपर को आ गया वो है। तो फिर एकदम तो मैंने माँ को बुलाया, माँ दूध निकल गया दूध निकल गया, तो माँ ने फिर उतारा उसे एकदम से। वैसे तेरी जो ये बात है कमी समझ में आई, लेकिन मोटा मोटी तौर पे ये समझ में आई कि दूध निकलने वाला था और तुमने शोर मचा के अलर्ट दिया अलार्म की तरह, और फिर उसकी जान बच गई दूध की, यही ना। हाँ ठीक है अब समझ, तेरे से ज़्यादा तो चीकू समझा दे बात। कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, बुरा न मानिए तू। सरासर बुरा मान लूंगी। सरासर बुरा मानेगी। नहीं हर चीज का ना मैं बुरा मान लू बहुत। आज मेरी फेवरेट क्या बनेगी, क्या बनेगी? सुबह को ना ये सब्जी लेके जाऊंगी मैं, रोटी सिखवा दूंगी बस मम्मी। और आज इसे पूरा दिन इंतजार करते करते हो गया, वैसे तो हमें भी हो गया, इंतजार में तो हम भी थे, लेकिन इसे बेसब्री वाला इंतजार था, हमें तो ऐसा ही था नॉर्मल। किसका भला, वो था नंदिनी और आरुषि का। और इसे 2 बजे का टाइम दिया था आने का, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आज नहीं आ पाए हैं। सुबह से कई बार तो वीडियो कॉल कर ली इसने और कई बार ना दरवाजे पे जाकर खड़ी हो जा, कभी आई ना। लेकिन कॉल दोबारा करके कंफर्म कर लें, जब भी नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। और अब कल देखेंगे कल का क्या प्रोग्राम है। ऐसा ही ना जिंकी, तुझे कैसा महसूस हो रहा जैसे उसने मना कर दिया आज आरुषि ने? बस इसके पास शब्द नहीं है, इसके पास शब्द ही खत्म हो गए इसके शब्द कोश में, ये कुछ नहीं बोल पा रही। सारे शब्द तो आपने बोल दिए मेरे। मन नहीं बोल दिए सारे शब्द। और तो अब ऐसा करो कृपा करके अंदर जाओ दोनों, क्योंकि यहाँ चूल्हे के पास तुम्हारा कोई काम नहीं है। और इसी बीच में चिंकी बिजार को भी देखे, बिजार मतलब
बुल, सरकारी सांड, इस सब बहुत डर लगा है। लास्ट ईयर से ही बहुत पीछे पड़ गया था वो, यहाँ पे आंगन में भी घूम के चला जाता, चक्कर मार गया यहाँ तक। बहुत गुस्सा आया था उसे पिछले साल हमारे ऊपर, तो उसके पीछे कैमरा लेके जा रही है, अब की बार फिर गुस्सा आ जाएगा उसे। बस रात को सपने आवे जैसे तुझे, तेरा पीछा कर रहा हूँ, डरा रहा हूँ। नहीं 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 ना कहो। अच्छा चल, नहीं कहने का, वो आने का नहीं, ऐसा कैसे आ जाएगा। मैं चिंकी के पेपर पे गली को चला दिया था। कमाल की मेडिसिन। कमाल की मेडिसिन। अब देखो कैसे चलाऊंगा। क्या चला रहा है तू? ये चला रहा। और खाना खाया? 7:30 बजे सब ने खा लिया खाना है भाई। तो इसने चार्जर का ये ढूंढ दिया है, इसकी मम्मी कई दिनों से परेशान थी हल्के चार्जर से, मतलब हल्का चार्जर था उसका, दूसरे चार्जर से अब ठीक होगा।